श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 40 सुग्रीव और रावण का मल्लयुद्ध। तदनंतर वानरयुथों से युक्त सुग्रीव सहित श्री राम सुवल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े, जिसका विस्तार 2 योजन का था। वहां 2 घड़ी ठहरकर 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकूट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बसी हुई विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर काननों से सुशोभित थी। उस नगर के गोपुर की छत पर उन्हें दुर्जय राक्षस राज रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चंवर दुलाए जा रहे थे, सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त चंदन से चर्चित था, उसके अंग लाल रंग के आभूषणों से विभूषित थे। वह काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने के काम किए गए थे। ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्ष स्थल में आघात चिन्ह बन गया था। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्र से आच्छादित होकर वह आकाश में संध्या काल की धूप से ढकी हुई मेघमाला के समान दिखाई देता था। मुख्य मुख्य वानरों तथा श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हो गए। वे क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो सुवेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। वहां खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित से उस राक्षस को तिनके के समान समझकर वे कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूँ। महाराज श्री राम के तेज से आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। ऐसा कहकर वे अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके विचित्र मुकुटों को खींचकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव सुंदर कंठ से युक्त था, अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर रावण ने अपनी 2 भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानरराज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछलकर रावण को 2 भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से पटक दिया। फिर तो वे दोनों आपस में गुंथ गए। दोनों के ही शरीर पसीने से तर और खून से लथपथ हो गए तथा दोनों ही एक दूसरे की पकड़ में आने के कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सेमल और पलाश नामक वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। राक्षस राज रावण और वानर राज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूंसे थप्पड़ कोहनी और पंजों की मार के साथ बड़ा असह्य युद्ध करने लगे। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्लयुद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों को विशेष दांव पेंच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई के बीच में गिर गए। वहां हांफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे, तत्पश्चात उछलकर खड़े हो गए। फिर वे एक दूसरे का बार बार आलिंगन करके उसे बाहुपाश में जकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध शिक्षा मल्लयुद्ध विषयक अभ्यास तथा शारीरिक बल से संपन्न थे, अतः उस युद्धस्थल में कुश्ती के अनेक दांव पेंच दिखाते हुए भ्रमण करने लगे। जिनके नए नए दांत निकले हों ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छौनों के समान वे दोनों वीर अपने वक्ष स्थल से एक दूसरे को दबाते और हाथों से परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे, अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील हो एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे, तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज के शुंड दंड की भांति मोटे एवं बलिष्ठ बाहुदंडों द्वारा एक दूसरे के दांव को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रतापूर्वक पैंतरे बदलते रहे। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे,
जैसे दो बिलाव किसी भक्ष्य वस्तु के लिए क्रोधपूर्वक स्थित हो परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार गुर्राते रहते हैं, उसी तरह रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे। विचित्र मंडल एक और भांति भांति के स्थान का दो प्रदर्शन करते हुए गोमूत्र की रेखा के समान कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हटते थे। वे कभी तिरछी चाल से चलते, कभी टेढ़ी चाल से दाएं बाएं घूम जाते, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते, कभी बदले में स्वयं भी दांव पेंच का प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने को बचा लेते, कभी एक खड़ा रहता तो दूसरा उसके चारों ओर दौड़ लगाता, कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रतापूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी झुककर या मेघ की भांति धीरे से उछलकर चलते, कभी लड़ते हुए एक ही जगह पर स्थिर रहते, कभी पीछे की ओर लौट पड़ते, कभी सामने खड़े खड़े ही पीछे हटते, कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शरीर को सिकोड़ कर या झुका कर उसकी ओर दौड़ते, कभी प्रतिद्वंद्वी पर पैर से प्रहार करने के लिए नीचे मुंह किए उस पर टूट पड़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धा की बांह पकड़ने के लिए अपनी बांह फैला देते और कभी विरोधी की पकड़ से बचने के लिए अपनी बाहों को पीछे खींच लेते। इस प्रकार मल्लयुद्ध की कला में परम प्रवीण वानर राज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचर रहे थे। 24-26 इसी बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानर राज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे। वानर राज रावण को चकमा देकर निकल गए और वह खड़ा खड़ा देखता ही रह गए। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी वे वानर राज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचरपति रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का लंघन करके वानरों की सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। इस प्रकार वहां अद्भुत कर्म करके वायु के समान शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीव ने दशरथ राजकुमार श्रीराम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उस समय प्रधान प्रधान वानरों ने वानर राज का अभिनंदन किया।